वेलकम टू माय चैनल फैशन सुपर टिप्स। आज का जो वीडियो है वो है आप सभी के दुश्मन पर। दुश्मन यानी कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आप सभी के पिंपल पर। भाई पिंपल और एक्ने हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पार्टी में जाना हो या फिर डिनर डेट हो या फिर कहीं फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना हो, ये दुश्मन तभी आता है जब सबसे अर्जेंट काम होता है। और ये दुश्मन कहीं और नहीं निकलेगा, ना यहाँ निकलेगा ना यहाँ निकलेगा, ये निकलेगा यहाँ पर या फिर यहाँ पर। आज इसी दुश्मन को कैसे भगाना है मैं आज यहाँ पर बेहद ही ज्यादा सिंपल रेमेडी आपको बताऊंगी 3 स्टेप्स में, जिसे आप फॉलो करना और आपका ये जो दुश्मन है वो छू मंतर करके गायब हो जाएगा। गाइस रेमेडी बताने से पहले पिंपल अक्सर क्यों होते हैं मैं ये आपको थोड़ा बता देती हूँ। जब हम टीनेज में होते हैं तब हमारे हार्मोन्स जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, जिसके चलते जो है हमारे चेहरे पर पिंपल आ जाते हैं। और जब हम टीनेज को क्रॉस कर लेते हैं और जब पिंपल आए वो यूजुअली हमारे स्किन पे डिपेंड करता है। जिनकी स्किन ऑयली होती है अगर वो थोड़ा सा भी कोई ऑयली फूड खा ले तो पिंपल आ जाता है। बट डोंट वरी, आज जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगी वो बेहद ही ज्यादा सिंपल है। वो सारी की सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस रेमेडी में वो आपके किचन में ही अवेलेबल है। आप यूजुअली मेरी जितनी भी वीडियोस देखते होंगे आपने उसमें नोटिस किया होगा कि मैं जितनी भी रेमेडी अब तक बता रही हूँ वो आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में बता रही हूँ, जो आपके किचन में अवेलेबल हो या फिर आपको इजिली मार्केट में मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी की ओर और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है आपको इसको फॉलो करना है। मेरा फर्स्ट स्टेप, हम यहाँ पर पहले स्टीम लेंगे। पहले मैंने बाउल में पानी को गर्म कर लिया है। आप हाथ से चेक कर लीजिएगा जितना आप गर्म सह सकते हैं उतना ही आप पानी को गर्म करें। और एक क्लीन टॉवल से अब मैं भाप लूंगी। सो गाइस आपको 10 मिनट्स तक अपनी स्किन को ऐसे भाप देना है, यानी कि आपको ऐसे ही स्टीम लेना है। और आप मेरे फेस पे देख सकते हैं कि मैंने 10 मिनट्स तक स्टीम ली है। इससे हमारे जितने भी पोर्स हैं स्किन के वो ओपन हो जाएंगे, जितने भी जो डेड स्किन है वो भी रिमूव होने में काफी हेल्प करेगा। अब मेरा सेकेंड स्टेप गाइज, अब मेरा सेकेंड स्टेप है कि हम अपने फेस को डाबर गुलाब जल से क्लीन करेंगे। हम कॉटन पे डबल गुलाब जल डालेंगे। अच्छे से आप डबल गुलाब जल को कॉटन पे डालना, इससे जो है आपका पूरा फेस क्लीन हो जाए। अब ऐसे आप फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना। मेक श्योर कि जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तब आपके फेस पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं अप्लाई होना चाहिए, आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो। इवन लिपस्टिक भी आप मत लगाए, अच्छे से हम गुलाब जल से अपने फेस को क्लीन कर लेंगे। जहां पर आपके पिंपल्स हैं वहां पर भी आप अच्छे से इसको अप्लाई करना। अब ये क्लीन हो चुका है। अब हम इसके बाद लगाएंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल ले रही हूँ। इससे बढ़िया मॉइस्चराइजर और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मॉइस्चराइजर हम अपने हाथ पे लेंगे, क्लीन हैंड पे लेना है, इतना आप लीजिएगा और इसको ऐसे ही टैप टैप करके अपनी स्किन पे अप्लाई करें। जहां पर आपके पिंपल्स हैं आप वहां पर भी इसको अप्लाई करें, जैसे कि मेरे यहाँ पर पिंपल है, यहाँ है। ज्यादा इसकी मसाज मत करना आप लोग, ऐसे बस डैप टैप करना
जैसे मैं कर रही हूँ। आप किसी का भी एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है। अब ये लग चुका है तो इसे अब लगा के छोड़ देते हैं हाफ एन आवर तक। हाफ एन आवर बाद मैं अपना थर्ड स्टेप आपको बताऊंगी। सो गाइस, हाफ एन आवर हो चुका है, यानी कि आधा घंटा हो चुका है मेरे को एलोवेरा जेल लगाए हुए। अब अप्लाई करते हैं अपना थर्ड स्टेप जो है स्पॉट ट्रीटमेंट। उसके लिए आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी। मैंने यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी भिगो के रखी हुई थी, आप भी इसको भिगो के ही अप्लाई करना। मुल्तानी मिट्टी मैंने भिगोई हुई थी। अब इसके अंदर हम डालेंगे इतनी सी हल्दी, यानी कि टब में इतनी ही आप अप्लाई करें। थोड़ी सी मैंने हल्दी को यहाँ पर अप्लाई किया है। गाइज, आप इसके अंदर डाबर का ये जो शहद है ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप डाबर के शहद को बिल्कुल भी अप्लाई मत करना, क्योंकि जो शहद है वो ऑयली स्किन में और भी जाके स्टिकी हो जाता है और जितने भी पिंपल्स होते हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरी स्किन भी ऑयली है, इसलिए मैं यहाँ पर डाबर का जो शहद है वो मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ। हाँ, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या फिर अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप जो है शहद को अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप शहद को अप्लाई बिल्कुल मत करना। अब मैंने इसके अंदर हल्दी मिलाया है और मैंने मुल्तानी मिट्टी को भिगो के रखा हुआ ही था। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे डाबर का ही ये गुलाब जल। थोड़ा सा मैं गुलाब जल डाल रही हूँ ताकि ये पेस्ट बनने में हेल्प हो। अब ये रेडी है, अब इसको अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, आप इसको दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका, आप इसको पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकती हैं। ये आपकी जो स्किन है इससे जो काफी ज्यादा उसमें ग्लो आएगा और अगर पिंपल्स हैं तो ये पिंपल्स के लिए भी काफी बेनिफिट रहेगी। दूसरा स्टेप है कि आप जहां पर आपकी स्किन पे, यानी कि जहां पर आपके फेस पे पिंपल्स हैं, आप उसे सिर्फ और सिर्फ वहां पर भी अप्लाई करें। मैं इसे पूरे फेस पर आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, या तो आप इसे पूरे फेस पे अप्लाई करें या फिर जहां पर आपके पिंपल्स हैं आप उसे वहां पर अप्लाई करें। अब इसे अप्लाई करते हैं। गाइज, मेक श्योर कि आप इसे ब्रश से ही अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप इसे हाथ से अप्लाई करेंगे तो आपके जो हाथ है कई बार गंदे हो जाते हैं और फिर वो आपकी फेस की जो स्किन है उसके लिए सही नहीं रहेगा। आप इसको अच्छे से ही फेस पे अप्लाई करें। जहां पर पिंपल है वहां पर आप इसे अच्छे से अप्लाई करें। तो आप इसे नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है। होपफुली ये लग चुकी है, डन।
तो गाइस मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, आप देख रहे हैं। अब वेट करते हैं कि ये कब तक सूखेगी। ऑलमोस्ट ये 10 से 15 मिनट्स तक सूख जाएगी और उसके बाद इसे ठंडे पानी से हम वॉश कर लेंगे। चलिए तब तक इसके सूखने का वेट करते हैं। सो गाइस ऑलमोस्ट ये सूख चुका है और मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ एज यू सी, तो अब इसे वॉश करके आते हैं। सो गाइस जैसा कि आपने देखा कि पहले इसको मुल्तानी मिट्टी को पहले सुखा लिया था और उसके बाद मैंने कोल्ड वाटर से इसे वॉश कर लिया है और आप रिजल्ट जो है देख सकते हैं। गाइस एक चीज, अगर आप इसे सोने से पहले अप्लाई करेंगे, यानी कि अगर आप रात को इसको लगाकर भी सो जाएंगे, तो सुबह आप ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट देखेंगे। सो गाइस मैंने आपको जितने भी 3 स्टेप्स बताए हैं, आप उसे इसी तरह से फॉलो करना। और हाँ, अब जो मेरा 4th स्टेप है वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम पानी काफी कम पीते हैं, जिसके चलते जो है हमारी बॉडी में तमाम तरीके की दिक्कत आ जाती है। अगर आप मैक्सिमम पानी पिएंगे तो आपकी स्किन जो है वो काफी ज्यादा ग्लो करेगी। और जो मेरी 5th टिप है, 5th टिप मेरी ये है कि अगर आप ऑयली फूड को ज्यादा खाते हैं, तो प्लीज थोड़े टाइम के लिए आप ऑयली फूड को अवॉइड कर दें और फिर आपके जितने भी पिंपल्स हैं वो छू मंतर हो जाएंगे। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, जिनको स्किन से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम हो रही है उनको भी ये वीडियो दिखाएं, ताकि उनकी ये जो दिक्कत है वो दूर हो जाए। हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इट्स फ्री, ताकि ऐसे ही आपका और मेरा कनेक्शन बना रहे। आप मुझे अब इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो है फैशन सुपर टिप्स के नाम से ही। और हाँ, जाते जाते आप प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरी लेटेस्ट न्यू वीडियो आए आप तक जरूर पहुंच जाए। बाय बाय।